ये खराब हो गया, ये भी टूट गया और ये भी टूटा पड़ा, सारा टूटा पड़ा है। इसको वैसे चेंज करेंगे, पाइप भी ज़्यादा ही अच्छा नहीं तो बेकार है। वैसे तो इसको खास से घूम के खुल जाता है, तो हम इसको अभी कर लेते हैं। तो ये जो है पाइप का ज्यादा बेकार होगा, तो ये खुलेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा टाइट है। वैसे तो ये हाथ से खुल जाता है इजली, अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो इसको हाथ से घुमाएं तो आसानी से चेंज हो जाता है। तो हम इसको पाइप कांगे तो हमारे पास ये पाइप निकाल लेते हैं। ये है 1 मीटर का पाइप है, तो ये वाला हिस्सा कैट में लगता है। हमेशा लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि इसके अंदर रबड़ है कि नहीं, अगर ये रबड़ नहीं होगी तो ये लीक करेगा। तो ये लगा लेते और ये हाफ से टाइट हो जाता है, हाफ से बस ये हो गया टाइट। अब हम ये यहाँ से ये पाइप लगा पड़ा है, ये खोल के, ये हाफ से तो खुलेगा नहीं, इसके लिए आपको स्लाइडिंग से फ्लैप की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास स्लाइडिंग का, तो इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। ये खुल गया, इसमें से पानी आ रहा होगा क्योंकि इसमें कोई वाल्व वगैरह नहीं है। आप कभी भी ये चेंज करें तो पहले वाल्व बंद कर ले इसका, गैस का, इसके अंदर वाल्व नहीं है। तो हम इसको खोल देते हैं, इसका पानी चला गया, इसके अंदर कचरा है। तो ये वो नॉन रिटर्न वाला है, फिर इसको हम लगाएंगे तो ये दब जाएगा, खुल जाएगा। तो ये इसमें नीचे रखा है, तो पहले इसको ये खोल देते हैं। और हमेशा याद रखना है इसमें अंदर रबड़ होनी चाहिए, अगर रबड़ नहीं होगी तो ये लीक करेगा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। और इसको हम यहाँ लगा लेते हैं ऐसे, ये इसके अंदर नॉन रिटर्न वाल है, ये दे रखा है, ये दबेगा तो ये अपना भी चालू हो जाएगा। तो जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक दब जाएगा और इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, ये आना शुरू हो गया। इसको हम अभी टाइट कर लेते हैं और अच्छी तरह और स्लाइडिंग से इसको और अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं, जिससे कि अभी ये टाइट हो चुका पूरा कंप्लीट। अब हम इसको यूज करके देखते हैं, देखो भाई पानी इसमें भर गया। ये हम लगा देते हैं, ये पूरा चेंज हो चुका है। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।